किसी मैच में आपने सजदा कर लिया था? मुसलमान हूं मैं, और हर मुसलमान का सजदा। अच्छा, माशाल्लाह आप मुसलमान हैं, वरना मैं तो आपको वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी समझ गया था। मोहन भाई, जहां तक समझने का ताल्लुक है, शुरू में मैं भी आपको स्कूल की मैडम समझा था। का ड्रामा भी जो है रिश्तों के एतबार से जुमा बाजार लगता है, इतनी रिश्तेदारियां होती है कि समझ में नहीं आता कौन किसका रिश्तेदार है। मगर ये सवाल तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें जवाब दे भी नहीं सकती इसका। उसकी वजह है कि रिश्ते नाते जो है वो औरतों के समझने की चीज है। जब मर्द पूछते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि ये क्यों पूछ रहे, इन्हें तो घर के रिश्ते पता नहीं होता। अच्छा बुशरा, एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में क्या फर्क है? एक्टिंग वो होती है जो मैं करती हूँ, और ओवर एक्टिंग वो होती है जो आप करते हैं। बात मुझे पता चली है, बुरा मत मानिएगा, मुझे ये पता चला है कि आपको खाना पकाना नहीं आता। किसने कह दिया आपको? कुछ वो आपके पड़ोसी बता रहे थे मुझे। नहीं नहीं, खाना पकाना तो आता है, अब ये और बात है कि अच्छा आता है या नहीं आता। मगर आप ये बताएं, आप पड़ोस में क्या कर रहे थे? मोइन आपके वालिद का नाम है और मेरा नाम भी मोइन अख्तर है। आपके नाम के बाद है मोइन और मेरे नाम से पहले, तो आपको इस नाम की वजह से कम से कम मेरा एहतराम करना चाहिए। इस सिलसिले में सिर्फ ये कहना है कि मोइन मेरे वालिद बहुत ही नेक आदमी थे। ये आप इसलिए आ गए हैं कि आ जाना चाहिए मोइन अख्तर के प्रोग्राम में। बदतमीज आदमी है, पता नहीं क्या क्या कहता। कहने की जरूरत नहीं, वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो तो खुद ही जानते होंगे। आपका मतलब ये है कि फनकार अच्छे लोग नहीं होते? नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता मेरी मुराद ये नहीं थी, बल्कि मैं तो आपके वालिद को ही कोट करूंगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि अनवर भाई, अगर मोइन आज फनकार न होता तो एक इज्जतदार आदमी होता।